मेरा घर से तो 221 किलोमीटर दिखा रहा था। रात को 2 बजे, 2 नहीं 2:30 बज रहे, एंड अभी लेबर सब घर जा रहे हैं। 7-8 किलोमीटर मैक्सिमम आए हैं एंड बारिश स्टार्ट हो गया। बस इतना रात को मछुआरे भाई, क्या मस्त ग्रीनरी है। सुबह का मौसम, बादल, रोड और साइड में ग्रीनरी। 16 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है एंड इस पार पार करना पड़ेगा। मिनी आइलैंड अभी बंगाल के अंदर में है। गूगल भी बहुत सही खेल खेलता है। एक्चुअल वेस्ट बंगाल कल्चर है वो हमें देखने को मिल रहा है। अंदर का जो कल्चर है, इनर ब्यूटी है वेस्ट बंगाल का, वो देखने को मिल रहा है। किस टाइप का वेस्ट बंगाल के लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, रहन सहन किस टाइप का उनका, वही चीज़ ये देखने में अच्छा लगता है। गूगल का भी खेल। अरे बस वेस्ट बंगाल का इनर ब्यूटी दिखा रहा है यार। अरे वाह यार। अरे यार गूगल कहाँ से लेके आ गया हम लोग को। क्या यहाँ से कैसे जाए, मतलब ब्रिज नहीं है यहाँ पे। अबे यार गूगल क्या कर दिया भक। वेलकम टू दीघा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नए रिलेशनशिप में आए हुए निब्बा निबियों के लिए गुड नाइट का टाइम, एंड हम जैसे राइडर्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो भाई जोक्स से पार्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 2:17, रात के 2:17 हो रहा है एंड मैं निकल रहा हूँ दीघा के लिए। जी हाँ, आज हमारा राइड का प्लान बन चुका है दीघा का। तो यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करते, ऐसे हमारा 2 बजे निकलने का था, पहले हम 17 मिनट्स लेट हो चुके हैं। तो 2:17 हो चुका, हम निकलते हैं दीघा एंड आपको दिखाते हैं अपना जर्नी। तो चलो भाई सीधा राइड पे। गुड मॉर्निंग, तो यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मैप सेट कर दिया है। अब पहले मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। 2:34 बज चुका है एंड हमारा प्लानिंग था कि हम 2 बजे निकल जाए घर से। तो ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले रमेश को ले लेते हैं। तो अब फिर से राइड की शुरुआत करते हैं। अब हर हर महादेव और जय श्री राम। अरे पूरा निकल के रेडी बैठा हुआ है। हाँ हेलमेट ले लेना, क्योंकि देख तुम इतना दूर जा रहे हो ना, एक सेफ्टी होता है, समझा। हेलमेट पहन लिया, इतना दूर तुम जब जा रहा ना, कहाँ सेफ्टी जरूरी है। मेरा घर से तो 221 किलोमीटर दिखा रहा था, समझ रहे हो। मेहनत, रात को 2 बजे, 2 नहीं 2:30 बज रहे एंड अभी लेबर सब घर जा रहे हैं, कितने ज़्यादा मेहनत करते होंगे। अब हमें रोड कौन सा पकड़ना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो सुंदर नगर, मेरे घर से घर के सामने सुंदर नगर है, तो सुंदर नगर निकलूंगा, वहाँ से टाटा जादूगढ़ जो रोड है वो पकड़ लेना है एंड उधर से हमें हाईवे पकड़ लेना है एंड उधर हाईवे से फिर मैं आगे बताता हूँ। तो भाई अभी सुंदर नगर पार कर चुके, मीन सुंदर नगर निकल चुके हैं एंड अभी गूगल मैप के हिसाब से टाइम दिखा रहा 4:59, यानी कि 5 आवर, एंड किलोमीटर दिखाए तो 220 किलोमीटर बताया जा रहा। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:42, देखते कितना बचता है हमारा जाने में, क्योंकि बहुत ही आराम से जाने वाला है, अननोन रोड तो आराम से ही जाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग अभी 7-8 किलोमीटर मैक्सिमम आए हैं एंड बारिश स्टार्ट हो गया। एक बार मन बना लिया कि जलना है तो भाई अब तो चलना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो भाई देखो अभी जादूगोड़ा पहुँच चुके हैं एंड अभी भी आपको दिख रहा होगा रास्ता में कितना ज़्यादा पानी है, पानी हो गई मैं। वो वाला फीलिंग आ रहा है। रेनकोट वगैरह पहन लिया एंड फ़ोन को भी अंदर रख दिया यार, गूगल मैप के बिना चलना पड़ रहा। तो अगर मौसम क्लियर होता तो फिर सब कुछ, माइक भी लगाएंगे। अभी आपको आवाज़ भी पूरा क्लियर नहीं आ रहा होगा। रात 3 बजे यार, कितना खाली मौसम है जादूगोड़ा का। तो भाई मुसावनी जो रोड है उससे लेफ्ट ले लिया, अब हम लोग गालोडी बैराज वाला जो है वो उससे NH-33 हाईवे वो पकड़ लेना। मुझे कन्फर्म नहीं है कि NH-33 है या कुछ और। वेलकम टू गालोडी बैराज। अरे भाई बस इतना रात को मछुआरे भैया मछली पकड़ रहे ना। बस यहाँ से अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है NH का। वेलकम टू NH। अब हमने पकड़ लिया, गूगल मैप NH-18 बता रहा है। इतना जोर की बारिश यार, NH पकड़ लिया और NH में तो और जोर की बारिश है। बस यार इतना बारिश करोगे यार, कितना रुलाओगे हमें। सुपर सेक्सी।
अपन तो बाइक में है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन साइड से कट लेंगे। डोल बाबा बाय बाय। तो भाई देख रहे हो बारिश में पूरा भींग चुके हैं एंड हम लोग धलभूमगढ़ से आगे आ चुके हैं, बहरागोड़ा से थोड़ा पीछे है, बट बारिश में अभी रेनकोट वगैरह निकाल लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड इधर बारिश नहीं हो रहा, तो सारे रेनकोट वगैरह निकाल देते हैं एंड उसके बाद फिर से पहले वाला सीन चलते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गया भाई, पूरा लाइट जल रहा है, फ़ोटो बहुत बढ़िया आ रहा था, रमेश का तो आ गया, बट जैसे मेरा फ़ोटो का बारी आया लाइटें बंद हो गई इस साइड वाला। ठीक है चलो फिर से मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। किस्मत देखो कितना ख़राब है हमारा, थोड़ा देर रेनकोट निकाल के बस चल दिए, लगभग रेनकोट निकालने के बाद हमने 10 से 15 या 20 किलोमीटर मैक्सिमम चला, उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो गया, फिर से हमें फ़ोन अंदर डालना पड़ा, रेनकोट पहनना पड़ा, रेन कवर सब डालना पड़ा, अब फिर आपको आवाज़ का क्वालिटी थोड़ा ख़राब आएगा, क्या कर सकते हैं। बादल देखो कितना ज़्यादा बादल है, बहुत ज़्यादा बादल है यार, पूरा भरा हुआ है भाई, क्या मस्त ग्रीनरी है, सुबह का मौसम, बादल, रोड और साइड में ग्रीनरी, उधर भी खेती होता है शायद ना। तो भाई अभी एक बहुत ही मतलब बेकार सीन हो गया, हम लोग नेचर का मज़ा लेते हुए आ रहे थे, बारिश हो रहा था तो हमने मैप फ़ोन को अंदर डाल दिया था, मैप ऑन नहीं था, अब नेचर का मज़ा लेते लेते भूल गए थे कि मैप भी देखना है, और 16 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं, अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है एंड इस पार पार करना पड़ेगा। अब 16 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा हमें, मतलब 16 32 किलोमीटर हमारा 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर पेट्रोल यहाँ पे 102 रुपये लीटर, 89 किलोमीटर किलोमीटर और हमें चलना है, बस जो नज़ारा दिख रहा भाई लग रहा है कि बस यही से ही रास्ते चलते रहे, बहुत ही बढ़िया। जहाँ पे खेती बाड़ी भी होता है, मछली पालन भी होता है, पेड़ पौधे में सब कुछ, आपको शायद पता हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसिंग में आता है वेस्ट बंगाल, एंड ये असली बंगाल है जहाँ अभी बंगाल के अंदर में है। गूगल भी बहुत सही खेल खेलता है, हमें मतलब दीघा का जो रास्ता है हमें अंदर अंदर लेके आ गया, हमें गाँव रास्ता है, गांव के अंदर वाला रास्ता लेके आ गया, वो भी सही है, वेस्ट बंगाल का जो एक्चुअल वेस्ट बंगाल कल्चर है वो हमें देखने को मिल रहा है। गूगल अगर जो मेन सही रास्ता उस रास्ता पे लेके जाता तो फिर हम बाहर चल जाते, ये जो वेस्ट बंगाल का ब्यूटी है, वेस्ट क्या है वेस्ट बंगाल वो हमें पता ही नहीं चलता। रात में यही चीज़ मतलब, अरे आराम से अंदर का जो कल्चर है, इनर ब्यूटी है वेस्ट बंगाल का, वो देखने को मिला, किस टाइप का वेस्ट बंगाल के लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, रहन सहन किस टाइप का उनका, वही चीज़ उसके देखने में अच्छा लगता है, अलग अलग कल्चर, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट जगह का। झारखंड का जो भी विलेज कल्चर है उससे थोड़ा सा
मिला जुला है, सिमिलर ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। गूगल भी क्या खेल दिखाता है, देखो भाई किस रास्ता से हमें लेके जा रहा है। अरे भाई बोट, गूगल का भी खेल। अरे बस वेस्ट बंगाल का इनर ब्यूटी दिखा रहा है यार। अरे वाह यार, मतलब ये फीलिंग नेक्स्ट लेवल है यार। भले ही गूगल मीन्स एक अजीब सा रास्ता, मीन्स अजीब सा मीन्स क्या बोले यार, जो गांव का अंदर 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 रास्ता, एकदम विलेज अंदर अंदर रास्ता लेके आया, बट इसमें फीलिंग एक नंबर है, बहुत एक नंबर फीलिंग है इस रास्ता पे। रिटर्न आते समय इस रास्ता पे नहीं, अरे तेरी बालू, हम लोग अभी नदी पार कर रहे हैं, एडवेंचर, हम लोग नदी पार कर रहे बॉस। ये जो है देखो गूगल मैप में देखो, यहाँ पे नदी दिखा रहा, हम लोग नदी के बीच से जा रहे हैं, बट नदी में अभी पानी कम है इसीलिए, नहीं तो ये रास्ता बंद रहता, नहीं पार हो पाएगा। कहे नहीं पार होगा, यही है क्या भी? अरे यार गूगल कहाँ से लेके आ गया हम लोग को। देख रो, अरे रे रे रे, इधर कहाँ जाना है, ए, क्या यहाँ से कैसे जाए, जाना कहाँ है, रास्ते कहाँ है, वही तो लोगों से पूछना पड़ेगा यार। ब्रिज पार करने का रास्ता भी नहीं, हम लोगों को यहीं से पार करना पड़ेगा, मतलब ब्रिज नहीं है यहाँ पे। अबे यार गूगल क्या कर दिया भक। अरे यार गूगल कहाँ लेके जा रहा है, वहाँ भी नहीं है रास्ता। अब दिखा रहा गूगल यही वाला, मतलब कि यहाँ पे बोट से जाना पड़ेगा, नहीं हुआ बोट से तो बोट वाला नहीं ले जाएगा, फिर देखना पड़ेगा दूसरा, तो और तो कोई रास्ता ही नहीं है, जहाँ से हम घूमे वहीं से कहीं आगे जाना होगा। वो आदमी से ही पूछ लिया जाए, और कोई रास्ता नहीं है ना।